फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आप देख रहे हैं लर्निंग टेक्निकल 2.0 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप आपका खुद का जो फोटो है उसको क्लिक करने में इंटरेस्ट रखते हैं एंड फ्रेंड्स आपका फोटो को जो है फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप उसको अपलोड करना पसंद करते हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है। अगर फ्रेंड्स आप आपका फोटोज को जो है थोड़ा हाई लेवल का करना चाहते हैं, यानी कि फोटोज का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं एंड आपका जो फोटो आप सिंपल सा मोबाइल फोन से क्लिक करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड है फ्रेंड्स वो आपको वहां पर जो है ठीक तरीके से सेट नहीं होता, तो फ्रेंड्स आपको जो है बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज आपका जो फोटो है उसका बैकग्राउंड को आपको ब्लर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल एक यहां पर ट्रिक्स दिखाऊंगा जिसके मदद से आपको कोई भी एप्लीकेशन आपका मोबाइल फोन पे ऐड नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर मोबाइल से कैसे आप आपका कोई भी फोटोज का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं वो भी कोई भी एप्लीकेशन को यूज ना करके यही सिखाऊंगा। बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको जो है सिंपल सा एक वेबसाइट के मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोसेस को आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट करके हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं एंड ये पूरा प्रोसेस को जो है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं आपको बोला था कि इस वीडियो के मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज ना करके कैसे हम मोबाइल का सिंपल सा क्रोम ब्राउजर से इसको जो है कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए मोबाइल का जो भी हमारा होम पेज है उसमें आ जाना है एंड सिंपल सा गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है यहाँ पर से। बेसिकली गूगल क्रोम को ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि गूगल क्रोम का जो होम पेज है वो यहाँ पर ओपन होके आ गया है। तो सिंपल सर्च बार पे हमको एक वेबसाइट का नाम सर्च कर देना है। तो फ्रेंड्स वो वेबसाइट का नाम है रिमूव बीजी। ओके, तो इस जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके आप वहां पर से भी इसको जो है ओपन कर पाएंगे। बेसिकली यहां पर पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स हमें इस पे टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इस वेबसाइट का जो होम पेज है वो यहां पर शो हो रहा है। ओके, तो यहां पर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, अपलोड फोटो बोल के एक ऑप्शन है, आप जो भी फोटो उसका यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं या बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं उसको सिंपल सा यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड इमेज के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल का जो भी गैलरी है वो यहाँ पर ओपन होके आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली फ्रेंड्स मैं यहाँ पर से मेरा कोई भी एक फोटोज को जो है सिलेक्ट कर लूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एक फोटो को मैं सिलेक्ट कर लिया है, तो ऊपर की तरफ मेरा डन बोल के एक ऑप्शन आ गया है। बेसिकली उसके ऊपर हमको एक बार टैप कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स टैप करेंगे देख सकते हैं कि मेरा जो फोटो है वो यहाँ पर टोटल तरीके से आ गया है एंड हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर से टोटली इरेज हो गया है, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर से डिलीट हो गया है। फ्रेंड्स बेसिकली आप जो है यहाँ पर से कोई भी फोटोज का बैकग्राउंड को इरेज भी कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप ये जो फोटोज है ठीक है इसका बैकग्राउंड को आप चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि बैकग्राउंड को जो है आप सेम ही रखना चाहते हैं, सिर्फ आपका बैकग्राउंड को जो है आप रिमूव करेंगे या इसको जो है ब्लर करना चाहते हैं। ओके, तो ब्लर करने के लिए फ्रेंड्स हमारा ये ऊपर की तरफ फोटोज के ऊपर की तरफ फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली एक है ओरिजिनल एंड दूसरा है फ्रेंड रिमूव्ड बैकग्राउंड। ओके, तो मैं जैसे ही ओरिजिनल पे टैप करूंगा देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पर फोटो है उसके पीछे जो हमारा चीज था वो यहाँ पर, यानी कि जो बैकग्राउंड था बेसिकली वो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर से जो है इसको सिंपल सा डाउनलोड भी कर सकता हूँ, अदरवाइज फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर से कुछ नहीं कर रहा, मैं रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर ही टैप करूंगा एंड यहाँ पर जो है एडिट बोल के ऑप्शन मिल रहा है उसके ऊपर एक बार टैप कर दूंगा। जैसे ही फ्रेंड्स टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा फोटोज के नीचे बहुत सारा फिल्टर आ गया है। ओके, तो एकदम नीचे की तरफ फ्रेंड्स आपको जो है बैकग्राउंड बोल के एक ऑप्शन मिल रहा है, वहां पर मैं रेड मार्किंग जरूर कर दूंगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि ब्लर बोल के एक सेक्शन ओपन होके आ गया है। ओके, तो ब्लर का सेक्शन पे हमें जो है चार टाइप का, यानी कि फोर टाइप का जो है ब्लर का सेक्शन यहाँ पर मिल रहा है बेसिकली। तो पहला जो है वो फ्रेंड्स आपका फोटोज का जो ओरिजिनल फ्रेम है वो यहाँ पर शो होगा। तो हम जैसे ही उसके ऊपर टैप करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरा जो फोटोज है वो यहाँ पर ओरिजिनल जो बैकग्राउंड का ब्लर था वो यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरा में फ्रेंड्स आपका जो ब्लर कैपेसिटी है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तीसरा में फ्रेंड्स और भी ज्यादा हो जाएगा एंड चार नंबर
जो है फ्रेंड्स वहां पर जो है आपका बैकग्राउंड टोटली यहाँ पर जो है ब्लर कर दिया गया है। ओके, तो मैं यहाँ पर से जो है मैं दो नंबर का जो ब्लर यहाँ पर है उसको ही सिलेक्ट कर लूंगा। फ्रेंड्स आप जो है आपके हिसाब से यहाँ पर आपका फोटोज का जो ब्लर कैपेसिटी है उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर से जो है आप तो बैकग्राउंड का ब्लर तो कर ही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर से आप सिंपल सा बैकग्राउंड को ब्लर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से जो है आपको उसके नीचे जो ऑप्शन मिल जाएगा बेसिकली यहाँ पर से जो है आप आपका फोटोज का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रो यहाँ पर शो हो रहा है मैं यहाँ पर रेड मार्किंग तो कर दिया है, आप देखें लेंगे ना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो है फ्रेंड्स बैकग्राउंड के पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा बैकग्राउंड यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो फोटोज के पीछे जो बैकग्राउंड शो हो रहा है यहाँ पर आप उसको यहाँ पर से सिंपल सा चेक भी कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स जो बैकग्राउंड आपको पसंद आएगा उसके ऊपर आपको सिंपल सा एक बार जो है टैप कर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम टैप करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, प्रॉपर तरीके से जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पर से कोई भी एक बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर पाऊंगा। फ्रेंड्स मैं ये जो बैकग्राउंड यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ये यहाँ पर जो है ब्लर होके मुझे दिखा रहा है। ओके, तो आपको अगर बिना ब्लर वाला जो बैकग्राउंड यहाँ पर है उसको सेट करना पड़ेगा। तो ब्लर वाला सेक्शन पे आने के बाद ओरिजिनल पे फिर से टैप करेंगे। ओके, देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लर था वो यहाँ पर टोटली डिलीट हो गया है एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आ गया है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर से आप आपके हिसाब से कोई भी एक बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर से फ्रेंड्स आप जो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे वो एकदम प्रोफेशनल जो वीडियो एडिटिंग होता है या जो फोटो एडिटिंग होता है उसके तरह आपको दिखाई देगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप यूट्यूब या फोटोज को जो है फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में अपलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर से जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ऐड कर सकते हैं आपके मोबाइल फोन पे। ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बहुत सारा जो है बैकग्राउंड हमको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर से जो है आप कोई भी एक फोटोज का बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। उसके फ्रेंड्स नीचे आपको जो है कलर वाला एक सेक्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये फोटोज को कहीं पे जो है सिंगल कलर में चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर से जो है आपका फोटोज को आप सिंगल कलर पे भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर जैसे ही टैप कर रहा हूँ मेरा जो फोटो है उसका बैकग्राउंड जो है वो वन वे यानी कि सिंगल कलर में आ रहा है। ओके, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा जो फोटोज है वो यहाँ पर सिंगल कलर में आ रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स हम जब भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है अगर आप न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर अगर आप बिना जो फोटो है ठीक है आपका जो फोटो है वो बिना बैकग्राउंड के सेट करना चाहते हैं तो आपको जो है ग्रीन स्किन वाला फोटो चाहिए होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली आप जो है ग्रीन स्किन का जो फोटो है उसको भी यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये तो आप समझ गए हैं। तो आप बताए फ्रेंड्स कि ये जो बैकग्राउंड तो हमने इरेज कर लिया या बैकग्राउंड तो हमने चेंज कर लिया यहाँ पर से या फ्रेंड्स बैकग्राउंड को तो हम यहाँ पर से ब्लर कर लिया तो कैसे अब हम ये फोटो को हमारे मोबाइल फोन पे डाउनलोड करेंगे। ओके, बेसिकली फ्रेंड्स ये जो फोटो हमको यहाँ पर मिल रहा है उसके एकदम ऊपर की तरफ आपको जो है दाईं ओर एक डाउनलोड वाला बटन लोगो का जो लोगो है डाउनलोड का ओके वो बेसिकली यहाँ पर शो हो रहा है उसके ऊपर हमें एक बार टैप कर देना पड़ेगा। जैसे ही फ्रेंड्स टैप करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जो फोटो है ठीक है वो यहाँ पर प्रिपेयरिंग हो रहा है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा हमको दो ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर से भी आप जो है फोटोज को शेयर कर सकते हैं अदरवाइज डाउनलोड इमेज के ऊपर टैप कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड का एक पॉपअप शो हो रहा है फिर से डाउनलोड पे हम टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे फ्रेंड्स हमारा फोटो जो है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पर से सिंपल से इसको जो है ओपन भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं मेरा मोबाइल फोन का जो गैलरी है वहां पर से जब भी ये फोटोज को ओपन कर रहा हूं तो फ्रेंड्स देखिए कि मेरा जो फोटो है वो यहाँ पर एकदम प्रोफेशनल तरीके से जो है रेडी हो गया है। फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पर मेरा फोटोज को जो है ठीक ठाक रेडी नहीं कर पाया लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसको जो है थोड़ा टाइम देके आपका फोटोज को एडिट करेंगे तो आपका जो फोटो है वो एकदम प्रोफेशनल एडिटर की तरह ही आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पर से। ओके, तो फ्रेंड्स बेसिकली इतना ही था हमारा आज का वीडियो में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश करना। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टेक्निकल एंड इन्फॉर्मेटिव आइडिया लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।